गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्लास 8 के चैप्टर 3 में आप लोगों का स्वागत है। उसका नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ठीक है जी, एनसीईआरटी का रेफरेंस लिया गया, अपना ज्योग्राफी चल रहा है। ठीक है, तो आज पढ़ना आप लोगों को खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में। ठीक है ना, तो एक एक चीज़ पकड़ेंगे, जैसे कि अपनी आदत है खनिज पहले पकड़ेंगे फिर ऊर्जा संसाधन पकड़ेंगे। ठीक है, तो खनिज को देख लेते हैं। तो खनिज होता क्या है अपने को ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो खनिज क्या है? खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो। ठीक है ना, जिसका रासायनिक संगठन हो, एक फिक्स रासायनिक संगठन हो। जैसे कि मान लो कॉपर है, तो कॉपर का एक रासायनिक फिक्स संगठन है। वो संगठन बोले तो एक फिक्स चीज़ है वो। ठीक है ना, कॉपर को बदल नहीं सकते हैं। सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है ना, तो ये सारे क्या है? मिनरल्स हैं। ठीक है, तो खनिज क्या हुआ? खनिज के लिए आप परिभाषा लिखे तो खनिज, जिसे इंग्लिश में मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो खनिज क्या है? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला, ठीक है ना, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका रासायनिक संगठन, ठीक है ना, इनके केमिकल कॉम्पोजिशन, या ठीक है ना, केमिकल कॉम्पोजिशन बोल लीजिए, केमिकल कॉम्पोजिशन फिक्स हो। ठीक है ना, फिक्स हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं खनिज। और बता दिया खनिज में क्या हो सकता है? सोना, चांदी, तांबा, ठीक है ना, लोहा, मैग्नीशियम, क्रोमियम, सारे खनिज हैं। ठीक है, कोयला भी खनिज है। ठीक है जी, वो अलग बात है कि हम बाद में देखेंगे आप खनिज को हम कैसे बांटते हैं। ठीक है ना, तो खनिज आपने देख लिया क्या है? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका रासायनिक संगठन या केमिकल कॉम्पोजिशन फिक्स हो, उसे हम खनिज बोलते हैं। ठीक है ना, तो खनिज ये होता है। तो अब हम देखेंगे खनिज के प्रकार, ठीक है ना, कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है ना, तो खनिज दो तरह के होते हैं, संरचना के आधार पे। ठीक है ना, किसके आधार पे? संरचना के आधार पे, यानी कि स्ट्रक्चर के आधार पे। खनिज दो तरह के होते हैं, ठीक है, पहला है धात्विक, दूसरा होता है अधात्विक। ठीक है, किसके आधार पे? ये संरचना के आधार पे, संरचना के आधार पे। ठीक है ना, आधार पे, इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेस पे, तो धात्विक और अधात्विक। ठीक है, इसे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक भी बोल सकते हैं आप इंग्लिश में। क्या बोलेंगे? मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि धात्विक को भी दो तरीके से बांटते हैं। ठीक है ना, धात्विक को भी दो पार्ट में बांट देते हैं। किसमें? एक तो होता है अपना जिसमें लोहा पाया जाता है, ठीक है ना, तो लोहा युक्त, ठीक है ना, क्या हो गया? लोहा युक्त हो गया। और दूसरा हो गया अलोहा युक्त। आप जैसे कि ये शब्दों से मालूम पड़ रहा होगा कि अलोह मतलब जिसमें लोहा नहीं है, अलोहा युक्त मतलब जिसमें लोहा है। ठीक है ना, तो लोहा युक्त मेटल और अलोहा युक्त मतलब आयरन जिसमें है और एक जिसमें आयरन नहीं है। ठीक है ना, जैसे कि लोहा जिसमें है उसके उदाहरण क्या है? उसके उदाहरण है मैग्नीशियम, ठीक है, क्रोमियम, ठीक है, ये किसके उदाहरण हो गया? ये हो गया लोहा युक्त के, मतलब इसमें आयरन पाया जाएगा। ठीक है ना, इसमें आयरन पाया जाएगा, लिख देता हूँ आयरन, भाई कंफ्यूजन ना, आयरन है। ठीक है, और अलोह में क्या हो जाएगा? अलोह में हो जाएगा जैसे कि चांदी, सोना, ठीक है, और क्या हो जाएगा जी? तांबा हो जाएगा। मतलब इस तरह के जो भी पदार्थ हैं उसमें, इस मतलब क्या है, इसमें लोहा तो पाया नहीं जाता। अब इसका हम कैसे चेक कर सकते हैं कि लोहा पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? इसका पता लगाने के लिए चुंबक का यूज़ कर लीजिए। किसका? चुंबक का, जिसमें चुंबक चिपक जाए उसमें लोहा है, मतलब लोहा युक्त है। ठीक है, यानी कि धात्विक का लोहा युक्त कैटेगरी में आता है। ठीक है ना,
और आ लोगों का मतलब सोना को आप यदि आपकी मम्मी कान वाली पहनी हुई है, फिर गले में देखो सोने की चैन है, तो उसमें आप लोहा चिपका के देख लीजिए। यदि वो चिपक गया तो नकली सोना, यदि नहीं चिपका तो असली सोना है वो, ठीक है ना। सोना हो गया, चांदी हो गया और तांबा भी हो गया। अब जो कॉपर की बाइंडिंग होती है पंखों में, ठीक है ना, वो कॉपर की होती है, लेकिन तांबा की होती है, उसमें लोहा चिपका या नहीं चिपकेगा, यानी कि आलोय युक्त है, ठीक है। कोयला है, पेंसिल में किसी भी चिपका लीजिए, नहीं चिपक रहा तो वो आलोय युक्त है, मतलब लोहा नहीं है, ठीक है। अब क्या है, अब अधात्विक, ये धात्विक था। अब धात्विक क्या होता है वो भी शायद आपको लोगों समझ में आया। धात्विक वो ऐसा पदार्थ, एक तो ये सॉलिड होता है, ठीक है ना, धात्विक क्या होता है, सॉलिड होता है। दूसरा, ये इसमें चमकदार होता है, ये पीटने पर आवाज करता है, ये इसमें ब्रिटलनेस होती है, ठीक है ना। तो ये धात्विक ये होते हैं। अधात्विक क्या होता है वो देख लेते हैं। अधात्विक जिसमें चमक नहीं होता है, जिस ठीक है ना, जिसमें चमक नहीं होता है, तोड़ने पर टूट जाता है बहुत आसानी से, वो होते हैं, ठीक है। तो धात्विक वो जो कि अधात्विक वो जो कि धात्विक नहीं है, यानी कि मेटेलिक नहीं है, ठीक है ना, जिसमें चमक नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे कि चूना पत्थर हो गया, चूना चूना पत्थर हो गया, अभ्रक हो गया, चूना पत्थर हो गया, अभ्रक हो गया आपका, ठीक है जी। और क्या हो जाएगा, और कोयला हो जाएगा, कोयला हो गया। तो ये सारे क्या हैं, नॉन मेटेलिक हैं, ठीक है, अधात्विक हैं, चूना पत्थर अभ्रक कोयला ये सब, ठीक है। और आप मतलब आप समझिए ना, चूना पत्थर क्या चमकता है, नहीं ना, तोड़ने पे टूट जाता है आसानी से, जबकि क्या ये आसानी से टूट जाता है, क्रोमियम मैग्नीशियम ये सब टूट जाता है, नहीं, इसमें ब्रिटलनेस होता है, इसमें ब्रिटलनेस, इसमें डक्टिलनेस, इसमें डक्टिलनेस होता है, मतलब ये टूट जाता है आसानी से, कोयला भी आसानी से टूट जाता है, ठीक है ना, और उसमें चमक नहीं होता है। तो ये सभी होता है अधात्विक के प्रकार, ठीक है। तो ये हो गया आपका खनिज के, मतलब खनिज को डिवाइड कर लिया हमने, ठीक है, किसके आधार पे, संरचना के आधार पे। दोबारा बताता हूँ, खनिज को हम संरचना के आधार पे हमने बांटा, उसमें क्या हुआ, धात्विक और अधात्विक बांट दिया। और धात्विक को भी दो तरीके से बांट देते हैं, लोहयुक्त और अलोहयुक्त, मतलब आयरन एंड नॉन आयरन। आयरन वाले में हमने जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है, मैग्नीशियम और क्रोमियम दिखा दे रखा है। अलोहयुक्त में चांदी, सोना, तांबा, कोयला, पेट्रोल जो भी ले लो सब उसी में, ठीक है ना। अधात्मिक में चूना पत्थर, कोयला, अभ्रक, कोयला, पेट्रोल, डीजल सब ले लो, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है ना। धात्विक नहीं है वो, ठीक है, अधात्मिक है वो। तो इसी तरह खनिज को हम संरचना के आधार बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि खनिजों को हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। खनिज हमने पढ़ लिया, खनिज क्या होता है, एक फिक्स केमिकल कंपोजिशन होता है, ठीक है ना, और उसके टाइप्स भी पढ़ लिए कैसे कैसे होते हैं। अब हमें पढ़ना है खनिजों का निष्कासन, एक्सट्रैक्शन की विधियां कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। क्या पढ़ना है, खनिजों को निकालने या फिर निष्कासन, अच्छा वर्ड रहेगा एनसीईआरटी वाला वर्ड, निष्कासन इंग्लिश में लिखता हूँ, एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन मेथड, ठीक है, मेथड, मेथड यानी कि विधि, मतलब खनिज को निकालने की विधि कौन कौन सी है उसके बारे में अपने को पढ़ना है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कौन सा है, इसमें तीन विधि मुख्यतः है, ठीक है, देखिए कौन कौन सी है। एक तो हो जाएगा माइनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनिंग, खनन, ठीक है, माइनिंग, माइनिंग हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अपना ड्रिलिंग, क्या हो जाएगा, ड्रिलिंग जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रबोधन, प्रबोधन यानी कि ड्रिलिंग। इन सब में थोड़ा माइनर माइनर का गैप होता है, ठीक है ना। और दूसरा होता है फिर क्वारलिंग, जिसे आखनन बोलते हैं, जिसे बोलते हैं आखनन, आखनन यानी कि क्वारलिंग, क्वार, ठीक है, क्वारलिंग बोलते हैं, ठीक है, खनन। अब खनन में भी देख लेते हैं कि दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ओपन सॉफ्ट, ओपन कास्ट माइनिंग एंड सॉफ्ट माइनिंग, यानी कि खनन भी दो तरीके से हो सकता है, कौन कौन से होता है, ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है, और एक होता है सॉफ्ट माइनिंग, सॉफ्ट माइनिंग, ठीक है। ओपन कास्ट वाले को क्या बोलते हैं हम, ब्रेवृत खनन,
खनन, और उसको क्या बोलते हैं, कोपिक खनन, कोपिक खनन, मतलब हिंदी में थोड़ा सा ट्रम्स क्या है, तो हार्ड है, ठीक है ना। अब देखिए ये तो हो गया ना। अब अपने को क्या करना कि समझना है कि कौन सी विधि कब यूज करते हैं। खनन का मतलब समझ गए आप, खनन का मतलब होता है कि खनन का मतलब है पृथ्वी के अंदर से मिनरल्स को निकालना, ठीक है, पृथ्वी के अंदर से मिनरल्स को निकालना क्या वो कहते हैं, खनन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो खनन बोलते क्या, ये कोई पृथ्वी का इंटरनल पार्ट है, यहाँ से हम कुछ भी पदार्थ ऊपर की ओर निकाल लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, खनन बोलते हैं। कुछ भी नहीं, खनिज निकालते हैं तब खनन बोलते हैं, ठीक है ना। कुछ मतलब पानी थोड़ा निकाल देंगे तो खनन थोड़ा ना बोलेंगे उसे, ठीक है। तो खनन ये होता है। तो खनिजों को निकालने की विधि कौन कौन सी होगी, खनन, ड्रिलिंग और क्वारलिंग, यानी कि हिंदी बोले तो खनन, प्रबोधन और आखनन। और खनन को फिर से दो पार्ट डिवाइड करते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग, कोपिका खनन जिसे बोलते हैं और विभित खनन, ठीक है। अब इसमें हमें यह पढ़ना है कि क्या डिफरेंस है, ठीक है ना, मतलब इन सब में क्या डिफरेंस है। निकालना तो सबसे सभी में क्या है कि धरती के अंदर से खनिज को निकालना है, सभी विधि में यही है, ठीक है ना। पर कौन सी विधि को हम क्या बोल देते हैं, कब बोलते हैं नाम, वो हमें जानना है, ठीक है ना। जैसे कि घर में सभी लड़के हैं, ठीक है, मान लीजिए सभी लड़के हैं या सभी लड़कियां हैं, ठीक है ना, पांच लड़के पांच लड़कियां हैं, पर उन पांचों के ये अलग अलग नाम दे रहे हैं, तो कुछ तो आधार होता है उसका, ठीक है ना। तो कुछ ना तो आधार होता है, तो सेम ही है कि सारी विधि क्या है, खनन करने की है, पर हमने अलग अलग नाम दिया है, तो कुछ तो आधार होगा इसका, ठीक है, कुछ तो आधार होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो खनन बता दिया, खनन क्या है, पृथ्वी से निकालने की विधि है, ठीक है ना। इसमें मतलब कि जब हम ये वाला खनन करते हैं ना, तो जो अर्थ है, ये अपना अर्थ है ना, अर्थ का इंटीरियर वो ज़्यादा डेप्थ से नहीं होता, इसी लेयर को हम खोदते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, ऊपर अपर पार्ट को निकालते हैं और माल अपना मिल जाता है। माल बोले तो क्रोमियम, निकेल, ठीक है ना, या जो भी है, सैल को हम थोड़ा सा खनन करते हैं, ठीक है ना, सैल को थोड़ा सा खनन करते हैं और मिल जाता है, ठीक है। तो ये खनन होता है, तो मतलब कि पृथ्वी के आउटर लेयर को ही हम थोड़ा सा भी खरोचते हैं और उसमें से हमें पदार्थ मिल जाता है। पृथ्वी के तो आउटर लेयर नहीं बोलेंगे हम, सेल का, ठीक है ना। जैसे हम सेल जानते हैं, तीन तरह के सेल होते हैं, इग्निशन सेल होता है, मेटामॉर्फिक होता है और सेडिमेंट्री होता है। तो ये जो खनिज होते हैं, ज़्यादातर किसमें मिलते हैं हमें, इग्नियस में मिलते हैं, ठीक है ना, किसमें मिलता है, इग्नियस में मिलता है प्लस मेटामॉर्फिक में, मेटामॉर्फिक सेल रॉक में मिल जाता है, ठीक है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में मिल जाता है, ठीक है। तो ये जैसे मतलब कि सेल के आउटर लेयर को ये हम खरोचते हैं तो इसमें हमें माल मिल जाता है। ड्रिलिंग क्या होता है, ड्रिलिंग मतलब थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा डेप्थ ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, जहाँ तक शाफ्ट जा सकती है, मतलब कि जैसे कि आपकी मान लीजिए कि घर में जो बोरिंग हो रखा है मीठे पानी के लिए, समरसेबल गड़ा हुआ ना आपके घरों में, तो जो समरसेबल धसा हुआ है आपके घरों में, तो एक लिमिट होता है कि वो कहाँ तक जा सकता है, ठीक है ना। आप पूरे धरती के अंदर नहीं जा, मतलब घुसा नहीं दोगे। तो क्या है, एक ड्रिलिंग मेथड ही है, ठीक है ना, समरसेबल भी ड्रिलिंग मेथड ही है, जिसके थ्रू आप पानी निकाल रहे हैं, पर मान लीजिए उसकी जगह मिनरल्स निकाल देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हम ड्रिलिंग प्रोसेस बोल देते हैं, ठीक है ना। मतलब कि लिक्विड ज़्यादा निकाला जाता है ड्रिलिंग के प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि उसमें पाइप्स लगते हैं, पाइप्स के थ्रू निकल जाता है, यानी कि इसमें पेट्रोल डीजल ज़्यादा आता है, पेट्रोल डीजल, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें ड्रिलिंग के मेथड से ही आती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने बता दिया, ड्रिलिंग का क्या है, सबमर्सिबल आपके घर में देख लिया, वही ड्रिलिंग प्रोसेस है, ठीक है ना, वो हो गया। अब क्वारलिंग यानी कि खनन, ठीक है ना, ये जो खनन किया है उसके भी यदि पास में, मतलब उससे उसके भी बिल्कुल नियर बाय, जैसे कि ये अर्थ है और ये इस यहाँ पे खनिज है, और हल्का सा बिल्कुल आपने क्या किया, हल्का सा मतलब ऊपर का लेयर हटाया सेल का और सारा माल मिल गया आपको, तो वो उसमें कोई मेहनत ज़्यादा नहीं लगा, क्या पता वो चपड़ा हम यूज़ करते हैं ना, चपड़ा गड्ढा खोदने के लिए, उससे ये माल मिल जाता है, कॉपर, निकल, कोयला, जो भी है अपना, सारा उससे मिल जाता है, मतलब चपड़ा के खोदने से ही मिल जाता है, तो उसे क्वारलिंग बोलते हैं। आग खनन, जैसे देखो आग खनन, हमने खोदा नहीं ज़्यादा, अपना भी माल मिल गया, तो उसे आग खनन बोलते हैं, क्वारलिंग बोलते हैं। खनन में मतलब थोड़ा सा क्या हुआ, थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे उससे, और मतलब कि थोड़ा सा, और जो गाड़ियाँ देखते हैं ना कि ड्रिल करता है या फिर खद्दा मारता है, उसका यूज़ कर लेंगे, तो वो हो जाएगा। ड्रिलिंग मैंने बता दिया,
ये पृथ्वी के अंदर क्या जाता है, शाफ्ट जाती है, ड्रिल करता है और पाइप्स के थ्रू पेट्रोल डीजल निकाल लेता है, उसे ड्रिलिंग प्रोसेस कहते हैं। अब खनन में दो तरीके से हैं, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग तो समझ लीजिए कि ये ड्रिलिंग वाला प्रोसेस है। यहाँ शाफ्ट का क्या है, तो ये धरती है, ये धरती है, इसके अंदर शाफ्ट गया घूमते 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 घूमते, ठीक है ना, और ये छेद कर दिया। छेद करने के बाद क्या, यहाँ से माल निकाल दिया अपना, ठीक है ना, सारा जो अपना मिनरल्स है, खनिज है, वो निकाल दिया, ठीक है। तो उसे हम क्या बोल देंगे, सॉफ्ट माइनिंग या कुपिक खनन। कुपिक का क्या होता है, कुपिक आपने लोगों ने देखा होगा, मिट्टी का तेल छानने के लिए हम करते थे ना, कुप्पी का यूज़ करते थे, कुप्पी टाइप, इस टाइप का कुप्पी होता था, ठीक है ना, कुप्पी इस टाइप का होता है ना, याद हो तो, ये जैसा फनक होता है, फलक होता है, इस टाइप का होता है, यहाँ से भरेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये होता है कुप्पी का, ठीक है। ओपन कास्ट माइनिंग क्या होता है कि बेसिक, मतलब मैंने वही बता दिया कि जब अर्थ के सरफेस से ऊपर के वाले सरफेस से क्या करते हैं, हम निकालते हैं खनिज, तो उसी को ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। मतलब खुले में हमने माइनिंग करते, कोई दिक्कत नहीं है, माल मिल गया आराम से, ठीक है ना, ऊपरी होता है। सॉफ्ट माइनिंग में थोड़ा डेप्थ में जाना होता है, ठीक है ना, थोड़ी गहराई में होती है तब, मतलब ड्रिलिंग से ज़्यादा नीचे जाता है सॉफ्ट, ठीक है ना, तो ये होता है। तो यही है खनिजों के निकालने की विधि, मतलब कि सब में थोड़ा नियर वाई है आपको, खनन मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करना, चपड़ा से ही, चपड़ा खुदाल से ही माल मिल जाएगा, उसे खनन बोलते हैं, क्वालिंग बोलते हैं। खनन का मतलब ही ज़्यादा खनन करना पड़े, फिर खनन पे आ जाइए, खनन का समझ गए, खनन का सॉफ्ट माइनिंग या ओपन कास्ट माइनिंग के द्वारा भी करते हैं। सॉफ्ट माइनिंग में क्या होता है, कुपिका का खनन होता है और विस्तृत खनन हो जाता है, ठीक है। मतलब सॉफ्ट माइनिंग का तो सॉफ्ट अंदर डालना पड़ता है, और ओपन कास्ट माइनिंग में ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें कोयला वोयला होता है ना, इसमें आसानी से निकल जाता है। और ड्रिलिंग इन्हें प्रबोधन, प्रबोधन होते पेट्रोल डीजल निकालने के लिए या पानी निकालने के लिए, समझ लीजिए कि समरसेबल जैसा अंदर पाइप घुसाना पड़ता है और निकालना पड़ता है। तो यही है खनिजों के निष्कर्षण, इनके एक्सट्रैक्शन मेथड्स, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये क्या हो गया, अपना खनिज से रिलेटेड चीज़ जानकारी हो गई कि खनिज क्या होता है, ठीक है ना, उसके बाद खनिज कितने तरीके के होते हैं, फिर खनिज निकाला कैसे जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ पढ़ देंगे, खनिज की साइकिलिंग पढ़ देंगे, क्या पढ़ देंगे हम, खनिज की साइकिलिंग। देख लीजिए, जैसे कि खनिज है ये, ठीक है, खनिज है, तो सॉरी, यहाँ पे रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिसाइकल मतलब आपने ये चीज़ बहुत जगह देखा होगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मैं आप नया देख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे पानी के केस में यही बोला जाता है, प्लास्टिक के केस में यही बोला जाता है, मतलब खनिजों का कम से कम यूज़ करो, लिमिटेड, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे करो। क्यों, क्योंकि खनिज धरती के नीचे से आ रहा है और लिमिटेड सोर्स है, ठीक है ना, सीमित भंडार है अपने पास, वो ख़त्म हो जाएगा बॉस, इसलिए उसका रिड्यूस करो, मतलब कम से कम यूज़ करो, और जितना हो सके रीयूज़ करो, ठीक है ना, जितना हो सके उसको दोबारा दोबारा यूज़ करो। और रिसाइकिलिंग करने का तो बहुत ज़्यादा कोशिश करना अपने को, ठीक है ना, रिसाइकिलिंग, जैसे प्लास्टिक बैग है उसको भी हम कहते हैं कि रिसाइकिलिंग करो, तो उसी की तरह हमें खनिजों का मैक्सिमम रिसाइकिलिंग करना है। जैसे कि आपने लोहा कुछ बना दिया है तो रस्ट फ्री नहीं होता, तो उसको गला के कुछ और बना सकते हो तो वो बनाओ, पर फेंको मत, वेस्ट मत करो, ठीक है ना। तो ये होता है अपने खनिजों के बारे में। तो खनिज ये इतना ही था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में सिर्फ हम खनिज करते हैं, अगली वीडियो में ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना पार्ट फर्स्ट हो गया, पार्ट फर्स्ट, अब पार्ट सेकंड करेंगे अगले वीडियो में, जल संसाधन, ठीक है। तो अच्छा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।